हाय गाइस, हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल राइस पे है, तो अब वो टाइम आ चुका है दैट द एंटायर कंट्री शुड नो कि हमारे टीम के प्लेयर्स हैं कौन। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है आप सबको बताने के लिए कि हु आर द टीम प्लेयर्स एंड व्हाट पोजीशंस डू दे प्ले। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड यू लर्न समथिंग अबाउट द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। सो लेट्स गो, स्टार्टिंग विद द गोलकीपर्स। The Great Wall of India, Gurpreet Singh Sandhu, इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2019 में, and he is the only player जिन्होंने यूरोपा लीग खेला यार। He captained the Norwegian side Stabæk. He is the number one choice for the Indian national football team. Moving on to alternate keeper, इनका नाम है वैशाल कैथ। ये 6'2" के हैं, हिमाचल प्रदेश से, and he won the ISL 2022-23 गोल्डन ग्लव अवार्ड विथ 12 क्लीन शीट्स। तो 12 ऐसे मैच थे पूरे सीजन में एटीके मोहन बगान के लिए जिनमें इन्होंने एक भी गोल नहीं खाया था, दैट इज वाई ही वन द गोल्डन ग्लव। देन हमारे पास एक और चॉइस ऑफ कीपर है, अमरिंदर सिंह। ये भी ओडिशा के लिए खेलते हैं एंड अभी अभी इन्होंने इंडियन सुपर कप में गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता था 2023 का। तो अगर हम पोजिशन वाइज देखें तो वी हैव 3 ऑप्शंस गोलकीपर के लिए, गुरप्रीत पाजी, अमरिंदर पाजी और वैशाल कैथ। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जैसे गुरमीत सिंह पाजी एंड द यंग कीपर धीरज सिंह। सो यार, ये थे हमारे टॉप क्लास गोलकीपर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफेंडर्स। लेट्स गो वन बाय वन, स्टार्टिंग विद डिफरेंट पोजीशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी लेफ्ट बैक से। तो हमारे प्राइमरी लेफ्ट बैक है आकाश मिश्रा। ही वन द 2022-23 AIFF Emerging Player of the Year Award. Very, very, very promising youngster with a great future ahead. Alternate choice for left back हमारे लिए है सुभाशीष बोस भाई। ये 2023 ड्यूरेंट कप भी जीत चुके हैं एंड ISL जीत चुके हैं फॉर द 2022-23 सीजन। सो अगर हम समराइज करें, हमारे पास लेफ्ट बैक के 2 ऑप्शंस होते हैं, आकाश मिश्रा एंड सुभाशीष बोस भाई। नाउ मूविंग टू द राइट बैक्स। हमारे राइट बैक के प्राइमरी चॉइस है निखिल पुजारी। वेरी 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 प्रॉमिसिंग प्लेयर, SAFF चैंपियनशिप 2023 जीत चुके हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत चुके हैं और हैदराबाद से ISL भी जीत चुके हैं 2021-22 सीजन। जब डिफेंस की ज़रूरत होती है तो राइट बैक से डिफेंस करते हैं, अटैकिंग ऑप्शन चाहिए तो राइट मिड और राइट विंग भी खेलते हैं। ऑल्टरनेट चॉइस ऑफ राइट बैक हमारे पास है रोशन सिंह नावरम। ये मणिपुर से हैं एंड ही वन द ISL इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन 2021-22। ये वैसे राइट बैक भी सब्स्टिट्यूट होके आ जाते हैं बट ही कैन प्ले लेफ्ट बैक ऑल्सो। तो अगर हम फील्ड पे देखें तो राइट बैक के ऑप्शंस 2 प्लेयर पूरे करते हैं, निखिल पुजारी एंड रोशन सिंह नावरम। एंड मैंने जैसा कहा कि अगर ज़रूरत हो तो रोशन सिंह लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं। अब चलते हैं सेंटर ऑफ द डिफेंस। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस फॉर सेंटर बैक। सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच वी हैव फॉर सेंटर बैक इज राहुल भेके भाई। सो अभी जो मैच हुआ था इंडिया और कुवैत के बीच में, विच वॉज द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, राहुल भेके भाई स्टार्टेड एज द सेंटर बैक। वैसे ही ऑफन प्लेस राइट बैक फॉर मुंबई सिटी FC एज वेल। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ही एडजस्ट्स एंड फुलफिल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कोच देते हैं उन्हें। अनदर ऑप्शन फॉर सेंटर बैक वी हैव इज लाल चुनुंगा भाई। 22 साल के हैं, वेरी यंग, वेरी फास्ट एंड फुल ऑफ प्रॉमिस। ये आइजोल मिजोराम से आते हैं एंड ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन डिफेंस। तो इसी को ही अगर हम पिच पे देखें तो हमारे पास सेंटर बैक के 2 ऑप्शन बन जाते हैं, विच इज लाल चुनुंगा भाई एंड राहुल भेके भाई। जो हमारे प्राइमरी चॉइस ऑफ सेंटर बैक हैं दैट इज अनवर अली भाई। अभी ये इंजर्ड है सो ही इज नॉट पार्ट ऑफ द करेंट स्क्वाड बट ही इज द बेस्ट सेंटर बैक वी कैन हैव फॉर इंडिया। ये अभी अभी 2023 में SAFF चैंपियनशिप जीते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीते हैं, ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं। सो ही इज द बेस्ट सेंटर बैक वी कैन हैव राइट नाउ। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिज रिटर्न इन द सेंटर ऑफ द डिफेंस। अनदर लेजेंड वी हैव इन द सेंटर ऑफ द डिफेंस इज संदेश जिंगन भाई। इन्हें कौन नहीं जानता यार, ही इज द अर्जुना अवार्ड विनर फॉर 2020। ही वन द AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर इन द सीजन 2020-21 यार। सो ही इज अ लेजेंड एंड ही इज द पिलर ऑफ द इंडियन डिफेंस। एक और सेंटर बैक का जो ऑप्शन आता है हमारे पास दैट इज इन द नेम ऑफ मेहताब भाई, मेहताब सिंह।
ये भी SAFF चैंपियनशिप जीते, ट्राई नेशन सीरीज जीते, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीते इस सीजन, एंड जब जरूरत पड़े तो ही प्लेज राइट बैक ऑल्सो एंड देन सपोर्ट्स द टीम इन सेंटर ऑफ द डिफेंस एज वेल। सो अगर हम पिच पे पोजिशन वाइज देखें, सो वी हैव एडिशनल ऑप्शन इन द सेंटर ऑफ द डिफेंस इन द नेम ऑफ संदेश झिंगन एंड मेहताब सिंह भाई। सो टोटल वी हैव 5 to 6 सेंटर बैक्स, विच इज अनवर अली, विच इज लाल चुनुंगा, विच इज राहुल भेके, संदेश झिंगन, मेहताब सिंह, एंड वी ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन इन द नेम ऑफ प्रीतम कोटाल भाई। तो ये थे हमारे भाई धुरंधर इंडियन डिफेंडर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मिडफील्डर्स। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ द मिडफील्ड से। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच वी कैन हैव इज अनिरुद्ध थापा भाई, नंबर 7 जर्सी। ये सेंट्रल मिडफील्ड खेलते हैं, जब जरूरत पड़े तो वो पिवट वाला रोल खेलते हैं सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्ड में। सेकेंड ऑप्शन विच वी हैव इन द सेंटर ऑफ द मिडफील्ड इज अपुया, लालिंग माविया इनका नाम है बट इनका निक नेम अपुया है, इनको कौन नहीं जानता। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स राइट नाउ। ये ISL इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन 2020-21 बन चुके हैं। ही वन द FPAI इंडियन फुटबॉल अवार्ड्स फॉर यंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-2021 एंड देन अगेन ही प्लेज द सेंट्रल मिडफील्ड रोल ऑल्सो एंड CDM ऑल्सो। सो अनदर ऑप्शन विच वी हैव इन द CDM रोल इज सुरेश सिंह। ही वन द SAFF चैंपियनशिप 2021 एंड द ट्राई नेशन सीरीज 2023। अमेजिंग टैलेंट एंड ही कॉम्प्लीमेंट्स अपुया या फिर अनिरुद्ध थापा जो भी उनके साथ खेलते हैं इन द सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्ड रोल। वन मोर ऑप्शन विच वी हैव इज इन द नेम ऑफ रोहित कुमार भाई। रोहित कुमार भाई अगेन ही प्लेज एज द पिवट, ही प्लेज CDM, ही वन द SAFF चैंपियनशिप 2023, द ट्राई नेशन सीरीज, द इंटर कॉन्टिनेंटल कप। सो मस्ट हैव इन द टीम है हमारे लिए एंड ही प्लेज द डिफेंसिव मिडफील्ड रोल। अनदर ऑप्शन विच वी हैव इज इन द नेम ऑफ जीक्सन सिंह। जीक्सन सिंह अभी इंजर्ड है सो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करेंट स्क्वाड बट ही इज द बेस्ट डिफेंडिंग मिडफील्डर वी कुड हैव। ही प्लेज डिफरेंट पोजिशन, कभी कभार सेंट्रल मिडफील्ड भी खेल लेते हैं, कभी कभार अगर चाहिए तो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड भी खेल लेते हैं, बट इनकी प्राइमरी पोजिशन इज डिफेंसिव मिडफील्ड। हाँ जी, तो फिर अगर हम पोजिशन वाइज देखें, सो इन दैट CDM रोल और द सेंट्रल मिडफील्ड रोल वी हैव मल्टीपल ऑप्शन। हमारे पास अपोया है, हमारे पास अनिरुद्ध थापा है, हमारे पास सुरेश भाई है, हमारे पास रोहित कुमार है एंड हमारे पास जीक्सन सिंह है। मूविंग ऑन टू द विंगर्स, आशिक कुर्नियन, इनको कौन नहीं जानता यार। ये प्राइमरीली लेफ्ट विंग खेलते हैं, जब जरूरत पड़े राइट विंग खेलते हैं। 2023 में ही हैज वन मल्टीपल ट्रॉफीज फॉर इंडिया, SAFF चैंपियनशिप जीत चुके हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत चुके हैं, मोहन बगान से ड्यूरेंट कप जीते थे 2023 वाला एंड ISL भी जीत चुके हैं 2022-23 सीजन। नेक्स्ट ऑप्शन विच वी हैव इन मिडफील्ड इज इन द सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजिशन इन द नेम ऑफ सहल अब्दुल समद भाई। इन्हें कौन नहीं जानता यार, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। ही वॉज बॉर्न इन UAE में पैदा हुए थे टू मलयाली पेरेंट्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स केरला से हैं एंड ये जीते थे AIFF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द ईयर 2018-19 ऑल्सो। अनदर ऑप्शन जो हमारे पास है ऑन द लेफ्ट विंग इज नावरे महेश सिंह। ये रेगुलरली स्टार्ट करते हैं इंडिया के लिए, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीते, SAFF चैंपियनशिप जीते एंड लेफ्ट विंग से प्राइमरीली स्टार्ट करते हैं बट अगर जरूरत पड़े सो ही कैन प्ले सेंटर फॉरवर्ड ऑल्सो। देख लेते हैं यार फिर टीम कैसे लाइनअप करती है लेफ्ट से। सो हमारे पास 2 प्राइमरी ऑप्शंस हैं जो हैं आर्शिक कुर्नियन एंड नावरे महेश सिंह जो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सहल समत वैसे ही इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, वेरी क्रिएटिव, जब जरूरत पड़े सो ही स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट विंग एज वेल। इनको कौन नहीं जानता यार, चांगटे, AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिस ईयर 2022-2023 सीजन, ISL हीरो ऑफ द लीग 2022-23, ड्यूरेंट कप गोल्डन बूट विनर 2022, ट्राई नेशन कप जीत चुके हैं, FPI इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। अमेजिंग 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 टैलेंट एंड मतलब वर्ड्स आर नॉट इनफ टू डिस्क्राइब व्हाट ग्रेट प्लेयर ही इज। ही प्राइमरीली स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट विंग बट जब जरूरत पड़े सो ही अगेन कैन स्विच फ्लैंक्स एंड वो कभी कभार लेफ्ट विंग भी खेलते हैं। एक और ऑप्शन जो हमारे पास है राइट विंग से, इट इज उदांता सिंह कुमम। ये FPAI यंग प्लेयर ऑफ द ईयर बन चुके हैं 2015-16 सीजन में, राइट विंग भी खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग भी खेल सकते हैं, SAFF चैंपियनशिप जीत चुके हैं 2021 में, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत चुके हैं 2018 में और देन अगेन इन 2023। मूविंग ऑन टू अनदर ऑप्शन
इन द विंग इट इज राहुल केपी भाई. राहुल केपी भाई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था. एंड ही प्लेज राइट विंग, कभी जरूरत पड़े तो राइट मिड भी खेल लेते हैं एंड अगर जरूरत पड़े तो अटैकिंग मिडफील्ड भी खेल लेते हैं. तो अगर हम पोजिशन वाइज देखें, सो दिस इज हाउ द टीम लाइनअप. ऑन द राइट साइड वी हैव ऑप्शंस इन द नेम ऑफ चांगटे, उदांता कुमम एंड राहुल केपी भाई. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल एंड अ सेंटर फॉरवर्ड रोल. पहला ऑप्शन हमारे पास है लिस्टिन कोलासो. ही प्ले सेंटर फॉरवर्ड एंड ही कैन प्ले राइट मिड और लेफ्ट मिड इफ रिक्वायर्ड. एक और ऑप्शन जो हमारे पास है इन द अटैकिंग मिडफील्ड एरिया इज इन द नेम ऑफ ब्रैंडन फर्नांडेज. ये मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर कप बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन चुके हैं 2008 में. ही कैप्टन्स द आईएसएल क्लब एफसी गोवा एंड इफ रिक्वायर्ड ये लेफ्ट विंग भी खेल सकते हैं और राइट विंग भी खेल सकते हैं. बट इनका प्राइमरी पोजिशन है अटैकिंग मिडफील्ड का. वेरी क्रिएटिव. तो अगर पिच पे देखें, सो दिस इज हाउ दीज टू पीपल लाइन अप. ब्रैंडन फर्नांडेज और लिस्टिन कोलासो आपको दिखेंगे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड रोल पे या फिर सेंट्रल फॉरवर्ड रोल पे. सो गाइज, दीज वर द मिडफील्डर्स ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम. आई होप आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा एक्साइटिंग लगे आपको. आई होप आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है. एक हेल्प करना मेरी, ये वीडियो बाकी सारे फुटबॉल फ्रेंड्स से शेयर करना, उनकी भी अवेयरनेस बढ़ेगी, फिर सपोर्ट बढ़ेगा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का एंड इवेंचुअली टीम विल गेट मोटिवेटेड टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन द फ्यूचर. तो इसी बात पे चलो चलते हैं विद द अटैकर्स और द फॉरवर्ड्स ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटर फॉरवर्ड, इनका नाम है ईशान पंडिता. इनकी एक अमेजिंग स्टोरी है यार. ही हैज ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. ये गौथिया कप जो होता है स्वीडन में, वहाँ पे एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देके आ चुके हैं फॉर दी अंडर 17 साइड. ये फिलीपींस में भी फुटबॉल खेल चुके हैं एंड ही ऑलमोस्ट साइंड फॉर लालीगा क्लब अल्मीरिया. बट क्योंकि ही वॉज नॉट 18 एट दैट टाइम, सो ही कुड नॉट साइन अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट. मूविंग ऑन टू अनदर स्ट्राइकर विच इज़ इन द नेम ऑफ मनवीर सिंह. मनवीर सिंह स्कोर्ड द ऑल क्रूशियल गोल अगेंस्ट कुवैत इन दी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर. यार क्या अमेजिंग गोल था एंड ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम सिंस अ लॉन्ग टाइम. मूविंग ऑन टू द मैन, द मिथ, द लेजेंड. इनके बारे में मैं एक घंटे की अलग से वीडियो बना सकता हूँ यार. ही इज द थर्ड हाइएस्ट मेल इंटरनेशनल गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड. फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हैव प्लेड इन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. Most appearances for India, most international goals scored by an Indian, most hat-tricks for India, most goals for India in AFC competitions, all-time top scorer in the SAFF Championship, first Indian player to score a hat-trick in the ISL, the top Indian goal scorer in the ISL, the top Indian goal scorer in the I-League, first footballer to receive the Khel Ratna Award, AIFF Player of the Year for a record 7 times, the Arjuna Award winner, the Padma Shri winner, the Khel Ratna, Sunil Chhetri sir, God, greatest of all time. So again, if we look at the team, we have 3 options in the attack in the name of Ishan Pandita, in the name of Manveer Singh and the greatest of all time, Sunil Chhetri sir. So let's look at the man behind all this yaar. He is the coach of the Indian national football team. His name is Igor Stimach. Also, let's look at the assistant coach Mahesh Gauli sir. He is 68 times India ko represent kar chuke hain. He has become the best defender of the I-League. Sare tactics jo hote hain, I think Mahesh Gauli sir has a very, very, very important role. Inke bagair team strategy and team tactics is absolutely adhura yaar. So ye tha yaar aaj ki video ke liye. I hope again aapko help hua ho. You gained some knowledge about the Indian national football team. मैं सारे players शायद cover नहीं कर पाया हूँ. I'm sure 10-12 और players होंगे जो regularly खेलते हैं Indian team के लिए. But I'll make a separate video for them. But I hope you guys enjoyed this video. So thank you. Keep on supporting the Blue Tigers. And I'm sure one day we will qualify for the FIFA World Cup.